بابا عنقر طول ما مضيق حتى طول بابا وش يدوي الحلة خد حاول يا جاي خلوط ايه ما خلوط Hey unicorns, good morning, Hare Krishna, welcome back to my new vlog. अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30. उठ तो मैं सुबह ही गई थी, नहा धो के पूजा भी कर लिया. बट गाइज आज का ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज फाइनली मम्मी पापा और सौरभ घर पहुंच जाएंगे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर सिंस लास्ट 3 days. पापा सेल्फ ड्राइव करके बेंगलोर से देहरादून आ रहे हैं तो अभी वो लोग आगरा पहुंच गए हैं. आगरा से देहरादून का डिस्टेंस लगभग 450 किलोमीटर्स है सो प्रोबेबली दिन में 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे. लेकिन कुछ नहीं कह सकते बिकॉज आगरा इज अ स्पेशल प्लेस. हम लोगों ने अपनी लाइफ के 15-17 ईयर्स वहाँ निकाले तो हो सकता है वो लोग कहीं घूमने के लिए भी रुके. लेकिन आज मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, अंदर का बाहर का. टाइसन को भी नहलाना है सो यार इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजी स्केड्यूल. लेकिन मुझे मम्मी पापा से ज़्यादा एक्साइटमेंट एक स्पेशल चीज़ की हो रही है. आज हमारी कार पहली बार घर आ रही है सो आई एम एगर्ली वेटिंग फॉर देम. कांट वेट टू सी देम बट यार कुछ नहीं कर सकते, वेट करना ही पड़ेगा. स्टे ट्यून्ड गाइस. अंदर की सफाई तो हो गई है, अब मैं आ गई हूँ बाहर. सबसे पहले हम चलाएंगे मोटर क्योंकि पानी नहीं है. और अब नहलाऊंगी मैं टाइसन को. टाइसो आर यू रेडी? आज नहाले बहुत गंदे हो रहे हो यार तुम. और बाहर की भी सफाई करनी है, इतना गंदा हो रहा है. पौधों में भी पानी देना है. मम्मी तो आने के बाद सब देखेंगे है ना. क्यों क्यों कितना शांत हो रखा है. आज मम्मी के आने के बाद इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. गाइस फाइनली घर का सारा काम हो गया है और काम ख़त्म करते करते 11:30 बज गए हैं. मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई ना, अब दोबारा नहाना पड़ेगा. लेकिन एक रिलीफ मिल गया, मम्मी ने कहा हम लोग के लिए लंच मत बनाना, हम लोग खा के आएंगे, सिर्फ अपने लिए बना लेना. तो अब पहले नहा लेती हूँ फिर देखते क्या बनाना है. टाइसन के लिए तो मैंने राइस बॉयल करके रख दिए थे, अभी वो गीला है तब तक मैं नहा लेती हूँ, तब तक सूख भी जाएगा फिर दूंगी खाना. बट कोई फ़ायदा नहीं है यार खाना बनाने का क्योंकि कल रात को भी मैंने उसे कुछ नहीं दिया. देखे भी मतलब मैंने उसे सुबह दिया था बट उसने कुछ खाया ही नहीं क्योंकि अंकल ने 2 दिन उसे नॉनवेज दिया तो जिसकी वजह से वो खाना ही नहीं खा रहा है. मैंने एग भी ट्राई कर लिया, कर्ड भी डाल के देख लिया, मिल्क भी दे दिया, फिर भी नहीं खा रहा है. तो इसलिए मैंने उसको रात को भूखा ही रखा. क्या बता तब भूख लग गई हो खा ले. एनीवे देखते हैं, फिलहाल तो मैं नहा लेती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना और हालत तो आप देख ही रहे होंगे. छी तो यार मैंने नहा लिया है, नाउ आई एम फीलिंग मच फ्रेश. अब सबसे पहले टाइसन को खाना देंगे फिर देखते खुद के लिए क्या बनाना है. दे तो अभी भी कर्ड और राइस ही रही हूँ, पता नहीं खाएगा कि नहीं. अभी नखरे मत करना ठीक है, चुपचाप से खा लो. ये देखो इसे कहते हैं भूख. गुड बाय. हो गुस्सा. नो नो नो, ज्यादा भूख लग गई है क्या है? चल खा ले खा ले. बोला भी डिस्टर्ब भी मत कर, बहुत भूखा रख दिया. वाह क्या मस्त हवा चल रही है गाइस. अब खुद के लिए क्या बनाऊं भाई समझ ही नहीं आ रहा है. सबसे आसान और इजी क्या हो सकता है? मैगी खाने का मन तो नहीं है. पोहा. चलो भैया पोहा बनाते हैं. है भी ही नहीं मेरे पास, पहले देखा भी नहीं मैंने. लकीली आई हैव पोहा, तो हम पोहा बनाएंगे. चलो अब फटाफट से बना लेती हूँ, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है यार. तो यार मेरा खाना भी रेडी है. आज मैंने बनाए हैं पोहे, इजी एंड सिंपल. मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ. मम्मी पापा का तो पता नहीं कब तक आएंगे. तो यार खाना तो खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ सामने दुकान में दूध लेने क्योंकि मम्मा बोल रहे थे लंच नहीं करेंगे बट चाय तो पियेंगे. सो दूध लेके आती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी. इतना ज़्यादा खा लिया ना, चला भी नहीं जा रहा है. हवा भी चल रही है मस्त. हाँ एक पैकेट दूध दे दीजिए. दो नहीं एक ही पैकेट चाहिए मुझे. थैंक यू. चलो भाई दूध तो ले लिया, लेकिन अभी तक इतनी मस्त हवा चल रही थी, अभी पता नहीं धूप कहाँ से आ गई. देहरादून के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी कुछ भी हो सकता है. क्या हो गया? दूध ही तो लाई हूँ. चलो अंदर चलो, मतलब कहीं भी जाओ तुमने इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है. हैं चलो अंदर, मार खाएगा फिर टाइसन. हो क्या हो गया गाइस? अभी बज रहे हैं शाम के 5
और अभी मैं आ गई हूँ थोड़ी देर बाहर, लेकिन मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। भाई सुबह से वेट कर रही हूँ, अब तो मेरा पेशेंस लेवल भी ख़त्म हो गया। अभी मैंने कॉल पे बात की तब कह रहे थे कि हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, एक डेढ़ घंटा और लगेगा, तो मैं थोड़ी देर बाहर आ गई। यहाँ पर मौसम इतना बढ़िया और कहना, धूप बिल्कुल चली गई है, हवा भी चल रही है, सो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर ही बैठ लेती हूँ। वैसे भी अंदर बैठ के मैं बोर हो रही थी। तो देखो ये देखो ये भाई साहब कैसे सो रहे हैं। हाँ भाई क्या हो रहा है? इस तक खाना भी नहीं खाया पूरा दिन। क्या हो गया? इधर आओ जल्दी आओ, इधर आओ। अच्छे मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। मुंह देखना। अच्छा इधर इधर ये कैसा मुंह बना रहे हो तुम? हैं कैसा मुंह बना रहे हो ये? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ताईशु आज कौन आने वाला है? मम्मा आने वाली है, ताईशु की मम्मा आने वाली है। गाइस शाम के 6:30 बज गए हैं, मम्मी पापा का अभी तक कोई अता पता नहीं है। सोच रही हूँ मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, वैसे भी थक के आएंगे, सो क्या ही बनाएंगे मम्मा आके, सो मैं सोच रही हूँ बना ही लेती हूँ। लंच स्किप कर दिया बट डिनर तो बना ही सकते हैं, है ना? और मैंने कुछ नहीं सोचा मैं क्या बनाने वाली हूँ, सो इट्स अ रेंडम पिक। आलू बॉयल करने रखती हूँ, आटा गूंथ देती हूँ, फिर देखते हैं काम करते करते कुछ ना कुछ आ जाएगा दिमाग में। भाई मेरे को तो लग रहा था दिन तक ही पहुँच जाएंगे, यहाँ तो रात होने वाली है। चलो अब मैं भी काम में लगती हूँ। गाइस सब्जी भी बनने लग दी है और आटा भी गूंथ दिया, साथ में किचन भी साफ हो गया। और अभी सौरभ का कॉल आया था, बोल रहा था दीदी 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, सो आई एम अर्ली वेटिंग फॉर देम। और मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ ना, हैंकर शायद जल्दी जल्दी काम किया इसलिए। ओह माय गॉड गाइस फाइनली मम्मी पापा आ गए। ताईशु कैसे देख रहा है? देखना भौंक रहा था पहले, अब मुझे लाने लग गया। अरे 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 पापा गुड इवनिंग, वेलकम होम। मम्मी को देखो, वेलकम होम। फाइनली भाई कहाँ ये दिन में पहुंचने वाले थे और कहाँ ये 7 बजे पहुंच रहे घर। अरे अरे पापा मिलने दो उसको। मम्मी 2 महीने बाद देख रहा है। पापा भी मिलने दो ना अच्छे से, उसे समझ नहीं आ रहा किसके पास जाऊं। वो कंफ्यूज हो गया किसके पास कूदू। मम्मी ने हमेशा नेगेटिव ही पॉइंट उठाना है। देखो एक गमला सूख रखा है वो, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं पड़ी। सो गाइस ये है हमारी कार, ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है। ये रस्ते में क्या रखा? ये पत्थर ये मम्मी ने रखा था ना, लोग ट्रक खड़े कर देते इधर, मम्मी रख के गए थे। पीछे ले, पीछे ले, और पीछे चल अब। तो चल ले जा, क्यों कर रहा है? सही है बस 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 आगे पत्थर है। हाँ तीन दिन से बेचारी कंटिन्यूस चल भी तो रही है। 4 हाँ 4 अरे हाँ आज को कौन काउंट करता है? तैसे सोच रहा फिर ना भाग जाए कहीं। भयंकर लगेज देखो पापा, आप तो बिल्कुल फुल करके लाए, क्यों पूरा बैंगलोर खाली कर दिया क्या आपने? भाई इसमें एक इंसान और नहीं बैठ सकता, देखना।
तेरा बैग लाया मैं। मेरा है। ओह मुझे ऐसा बैग पसंद भी नहीं है। बेटी देखती है मतलब बेटी को पसंद ही। ले ले ये तेरे में। क्या है इसमें? चलो 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 कैसे अंदर आओ पापा। इसको एक बैग इसको भी दो, बहुत बार आ रहा है। चलो अंदर चलो 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 आई सुनो सुनो सुनो। कैसा लगा फिर मम्मी? हाँ। चार दिन का सफर आया मजा? घर जा रहे हो क्या? सच बताओ क्या? मैंने सब्जी बनाई है, आटा गूंथ के रखा है और थोड़ा सा और है। खाना ये लंच थोड़ी है, ये तो डिनर की तैयारी की है मैंने। मेरे बेटे तेरी मम्मा आ गई। आप तो इसको मारने वाले थे, आप प्यार कैसे कर रहे हो? इसे पता दो दिन से खाना नहीं खा रहा था मम्मी, आज तो खा ही ले गए। ताइशु कौन आ गया? नो 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 नो, अभी मम्मी मारेगी। नो चलो गाइस मैं भी सामान एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आराम से मिलके बातें करेंगे। भाई स्वेटिंग हो गई सामान उतारते उतारते। मैंने तो हार मान ली, दो जगह मम्मी कर रहा खाली नहीं हो रहा। मेरे बस का नहीं है, दो जगह आज लग रहा है तीसरी बार नहाना पड़ेगा। आंटी आंटी आने लगी, इतना पनीर खाएगी देख। आंटी का ये? हाँ। बाप रे आगरा छोड़ के आ गया। मैं तो इतना नहीं लाई, मैं कौन खाएगा इतना, मैं तो ज्यादा नहीं लाई, आधा ही लाई। हाँ हमारे बहुत है ये गई। सामान देखो, ये तो अभी 1/4 सामान उतरा है, बाकी तो गाड़ी से अनलोड हो रहा है। इतना भी नहीं घुसा था। अब देखो चार भी चार या पाँच तो सामान भी तो तुम इतना लेके आए थे भयंकर। गाड़ी पूरी दबी हुई थी पता है। हाँ? मेरे को इतनी इज्जत क्यों दी ठहरी बोली हूँ? क्योंकि आप ये काम का होगा ये घास का पेड़ है। आते ही देखा, मैंने कहा था ना गमलों में लगेंगे, सारा काम एक साइड छोड़ के गमलों में। लेकिन ते सारे कितने सुंदर सुंदर पौधे भी लेके आए हैं। वहाँ भी पौधे बचाने की हो रही है। मम्मी आप इस घर को जंगली बना दो। अरे यार ये कांच के बटन निकाल दो। ये दुआ ये सबसे कौन है? तू यहाँ बीच में क्यों खड़ा है भाई? या अंदर आ जाए, बाहर चला जा। टाइसन अंदर। बाबू अंकल अंकल तो नंबर गया तू तो बाबा उसी दे रहे ले खाता हो गया यार। अरे मैं तो एक बार खाया होता था आपने पतला और है इस बार, पतला और है। बढ़िया हो गया भाई, अब मोटा मत हो ना आप। अगर मोटा हो ना फिर देखना खाना खा, एक अभी दो है, है। नहीं सही हो गया भाई, मतलब फैला हुआ था ना, अब थोड़ा ठीक भी हो गया है। जिम जाएंगे ना? जा रहा है जिम। इतना आलसी है साथ ले आऊंगा इसको ना, मतलब ही नहीं बनता। बोला दीदी चल लूंगा बाहर, पर जिम में मेहनत नहीं करूंगा, पहले बोल दिया उसने। मेहनत नहीं शर्म हुई, शर्म क्यों? पापा स्पेस नहीं है ना, होता तो फिर बात ही क्या थी। मम्मी ना 4,500 का चश्मा लेके आए। अजय देवी जैसा लग रहा है। अनु तू पहन तो मम्मी आप में तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, आप तो मत ही पहना, पहन के दिखाओ। पर पापा को किसने बोला चश्मा लो? ये लड़कों का लग रहा है पता है, लड़की वाला तो लग भी नहीं रहा है। वैसे ही आप डरावने लगते हो, इसमें ना और दबंग लग रहे हो। लड़कों का ही है बोली हुई ऐसा ना, उसमें मेंशन था क्या किसके लिए है ये कैटेगरी? मेंशन थी क्या? नहीं ना, लड़कों वाले ही हो। नहीं नहीं लड़कियों के लिए।
या तो हो सकता है कि हाँ ये हो सकता है कि लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं, बट आपके फेस पे अच्छा नहीं लग रहा, ऑनेस्ट रिव्यू। हाँ ये बात तो सही कही। बाय बाय। See you guys tomorrow. Bye. Bye. बहुत सुंदर बनाया तूने, तेरी मम्मी से तो लाख गुना अच्छा हो रखा है। देख कितना अच्छा तूने, बिल्कुल गमले कितने अच्छे बना रखे। मिर्ची मिर्ची के पेड़ तोड़। भाई मैंने भी नहीं तोड़ी इसमें से एक भी मिर्ची, मम्मी ने बोला था छूना मत। अब हम जोर रखे हो। अच्छा तुम जो सौरभ, हम जोर मिर्ची हैं और एक पे खाने दे एक एक। मम्मी तो हर एक चीज देखना कैसे बारीकी से देख रहे हैं। चल आज सौरभ तू खुद ही आ जाना अंदर। मम्मी मैं रोटियां बना दूं फिर तब तक। गाइस रोटियां भी बन गई है और तब तक मम्मी पापा लोग नहा धो के फ्रेश भी हो गए हैं। अब फटाफट से खाना लगाती हूँ, सब्जी भी गर्म हो गई। तो गाइस खाना लग गया है और आज मैंने बनाया है आलू और न्यूट्रेला की सब्जी, रायता, चटनी एंड चपाती। रायते के लिए कितनी बड़ी कटोरी ली है क्योंकि रायता इसका फेवरेट है। अरे मेरे उसमें तो सब्जी डाली नहीं यार, पापा भूल गए। पापा को भूख लग रही है शायद ज्यादा। और लास्ट डे प्लेट का क्यों, न्यू प्लेट्स लाए हो क्या? हैं नहीं, फिर बाजार से ले आई हूं। वाह चलो गाइस अब हम खा लेते हैं। चलो भाई अब टाइसन को भी खाना दे देते हैं। आज तुझे तेरा रियल मालिक खाना देगा। नहीं नहीं यही दे दो वो। अरे नहीं यार अब तो इतना गंदगी तो तुम लोगों ने कर ही दिया है, उस बेचारे को क्यों ब्लेम कर रहे हो? सब उसे भूख लग रही है, खाने दे यार, आज तो खुशी के मारे खा लेगा वो। व्हाट इज दिस? ओ वाओ परफ्यूम, एक और, थैंक यू। ये ना स्पेशल है। व्हाट इज दिस? बेकर्स एंड फ्लेक्स, शो मी। क्या ये? थैंक्स अ लॉट। सो गाइस अब तो वही मजा आ गया मुझे। टेस्ट करके तो बताओ, बिना टेस्ट करके क्या होता है? टेस्ट खोलो, एक खोलो। थकान हुई नहीं? नहीं थकान तो हो ही जाती है, अब क्या करें यार। बट अभी एक काम है, खुशबू देखते हैं। ओह
heaven. By God, I swear, I just love it. इसकी खुशबू बहुत प्यारी है गाइज. सो थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच. तो ये तो भाई मेरा फेवरेट हो गया, मतलब मैं इसे दूसरी बार में खरीदने वाली हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे सच में बहुत प्यारी लग रही है. एंड ऑल्सो दिस इज नॉट फॉर द प्रमोशन, मुझे परफ्यूम्स पसंद है, इसकी खुशबू जेन्युइनली अच्छी है. मतलब मेरे को डब्बा देख के, मेरे को मैंने सौरभ को बोला ही था अभी कि सौरभ अच्छा होगा, डब्बा देख के लग रहा है. और इसका ना, इसका जैसा फ्रेग्रेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी शायद ये परफ्यूम यूज़ किया है, एल्कोहल जैसी लग रही थी. बट बहुत बुरी नहीं है, पर बहुत अच्छी भी नहीं है. लेकिन दिस इज लव, जिसे कहते हैं ना प्रीमियम परफ्यूम, इनमें से कह सकते हो आप ये. थैंक यू. नाउ लेट्स हाइड इट, उससे पहले कि मम्मी चुरा ले, क्योंकि मम्मी मेरे परफ्यूम्स चुरा लेते हैं, उनसे छुपाना पड़ता है. जैसे ही खुशबू पसंद आएगी ना, सट गाया. तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो सब खा सकते हैं, इन्हें छुपा लेते हैं. ये तो फिर मैं मम्मी के साथ शेयर कर लूँगी, ये तो नहीं करूँगी. थैंक यू. तो गाइज अब सौरभ सो जाएगा, बिकॉज ही इज़ टू टायर्ड. पापा तो पहले ही सो गए हैं, मम्मा भी सोने चले जाएंगे, मैं करूँगी थोड़ी देर पढ़ाई. सो आज के लिए बस इतना ही, आज के ब्लॉग एंड करें मैं यहीं पे. मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हरे कृष्णा, जय श्री राम. और जाने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी कार कैसी लगी. मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई. मतलब और मेरा गिफ्ट बताना जो मैंने इनको इतने प्यार से गिफ्ट दिया, वो कैसा लगा. और सबसे अच्छा उन तीनों में से क्या लगता है. थैंक यू, बाय बाय.